ऑफिस आ रही हूँ मैं। अरे रुको यार, वो 5,000 रुपए लेके जाओ, राशन खत्म हो रहा है। ये लो। ठीक है मैडम, आपका पार्सल। किस नाम से? मैम गोपाल गोयल। अरे आ गया मेरा पार्सल। यार एक काम करना, तुम पेमेंट कर देना, ठीक है? कितने में पेमेंट? मैम 10,000 रुपए। अरे सुनो यार, वो 2-3 हज़ार रुपए लेके जा रहा है। क्यों? राशन के लिए तो मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ। अरे दोस्तों के साथ मूवी का प्लान, इतनी चाहिए। ये रखो क्रेडिट कार्ड, कैश नहीं है मेरे पास। ध्यान से यूज कर लो। हाँ जी। अरे आ गई तुम? ये देखो मैं शॉपिंग करके लाया। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मर्जी सामान लेके आओगे। कुछ मर्जी कहाँ लेके आया हूँ, घर का यूजफुल सामान लेकर आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार मुझे फोन करके पूछने का चाहिए था? इसमें पूछने की क्या जरूरत है, मैं मेरी मर्जी से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकता। देखो मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं ये बात ना तुमसे बहुत पहले कहना चाहती थी, लेकिन आज मुझे मजबूरन कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, कमाने वाली अकेली मैं ही हूँ। घर में बैठ कर ना मेरा पैसा उड़ाना बंद करो। उड़ाता नहीं हूँ मैं, जहाँ जरूरत होती है ना सिर्फ वही खर्च करता हूँ। अच्छा, वो 10,000 के जूते मंगवाना जरूरी थे? अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना जरूरी था? क्या करूँ मैं, घर पर बैठा रहूँ, अपनी लाइफ एंजॉय भी ना करूँ। जाके काम ढूंढो और मेरे पैसों को आग लगाना बंद करो। नहीं मिल रही है जॉब, ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे लगा रखा है तुमने? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे पैसों पर भी मेरा कोई हक होगा या नहीं? अरे कैसे समझाऊं तुम्हें मैं, इस जमाने में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया, पता भी है तुम्हें? तो मैं भी सारा घर का काम करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, खाना बनाता हूँ। ये सब काम करने से तुम्हें ये राइट नहीं मिल जाता कि तुम जहाँ मर्जी मेरा पैसा उड़ा के आओ। पर जब तुम ये सब करती थी तब तो मैंने कुछ नहीं बोला।